हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ौके कबूतर परवरी। अच्छा व्यूवर्स, आज हम अड्डा लगाने लगे। ये बांस का बना हुआ अड्डा लगाते हैं हम। ये पुराने ज़माने में कबूतर परवरी में इस्तेमाल होता था, पुराने ज़माने में। अब तो खैर जदीद दौर आ गया, बड़े बड़े जाल और जनाब बड़े बड़े पिंजरे जो उनसे वो बनते हैं और विड बनते हैं बड़े बड़े। तो हमारा चूँकि वो सिस्टम नहीं है प्रॉपर प्रोफेशनल कबूतरबाजी वाला, हम छोटे से कबूतर परवर हैं। तो ये हमारा ब्रीडिंग सेक्शन है, इसके अंदर हमने कुछ बच्चे छोड़े हुए जो हमने सीज़न में उड़ाने और टेस्ट करने, तो उनके लिए यहाँ पे हमें अड्डा चाहिए था। एक अड्डा नहीं है, एक ग्रिल है। तो अब क्या है कि ये छत हमारी जो है ना थोड़ी नीचे है, आप जैसा कि देख सकते हैं ये ऊपर छत है, वो ब्रीडर सेक्शन है, एक और ब्रीडर सेक्शन है, ये बड़ी छत है। आसपास ना बड़ी छतें हैं, लेकिन ये एरिया जो है ये खाली है। ये हमारे अबाउजाद का दरबार शरीफ है, हज़रत सैयदी शाहबुल माली सरकार का। तो अब ये छत बाकी छतों से कंपैरेटिवली छोटी है और यहाँ पे लगी हुई सी ग्रिल। अब क्या होता था कि ग्रिल पे भी कबूतर जब बैठते थे ना, ऑब्वियसली कबूतरों को ना एक जगह चाहिए होती है बैठने के लिए, एक सहारा चाहिए होता है जहाँ पे वो अपना घर करते हैं। तो जब वो यहाँ पे भी बैठते थे तो ये आप देख सकते हैं पेंट हुआ हुआ, तो यहाँ पर ना वो स्लिप हो जाते थे। इसका एक हल निकाला हमने, ये लगा दी फट्टी, आज ही लगाई है। इससे क्या है कि ये कबूतर प्रॉपर ग्रिप करेंगे, यहाँ पर भी बैठेंगे, फिर इनको एक हाइट पर बैठने के लिए भी ना जगह चाहिए होती है। तो अब यहाँ पर हम सोच रहे हैं इस ग्रिल के साथ एक अड्डा लगाएं ताकि वो अड्डे पर आकर बैठे और फिर यहाँ पर ज़मीन पर आकर बैठे, क्योंकि अभी जो मेरे बच्चे उड़े हैं वो फ़िलहाल ज़मीन पर ही आकर बैठते हैं, लेकिन उन्हें ज़मीन पर उतरने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है। तो क्या है कि अब हम यहाँ पर अड्डा लगाएँगे और अड्डा लगाने का साथ आपके साथ तरीका भी शेयर करेंगे और सारा प्रोसेस भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये हजूर सैयदी शाहबुल माली सरकार के कबूतर है, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही पुरकैफ मंज़र है। हालांकि मुझे 30 साल हो गए हैं मंज़र देखते हुए, तो होश ही हमने यही मंज़र देखते हुए संभाली है, लेकिन अभी भी एक एक्साइटमेंट होती है इनको देखते हुए। तो जो न्यू देख रहे हैं आई एम प्रीटी श्योर कि वो बहुत ज़्यादा इससे महसूस होते होंगे। खैर बहरहाल, अच्छा अड्डा लगाने के लिए हमें तीन बांस की ज़रूरत है, जैसा कि आप देख सकते हैं तीन बांस मैंने पहले ही ला के रख दी। इसके साथ हमें चाहिए ये एक तार, लेंटर वाली तार इसको बोलते हैं, किसी भी हार्डवेयर की शॉप से मिल जाएगी, और एक अदद प्लास। अच्छा बहरहाल, ये सारा कुछ हम एक ही जगह पे इकट्ठा कर लेंगे, ये सारा कुछ हम एक ही जगह पे इकट्ठा कर लेंगे। और अब जो सा ना ये बांस कैसे लगाना है ये आपके साथ तरीका शेयर करते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी हाइट नापेंगे कि हमें हाइट कितनी चाहिए। तो ये जो दो बांस है ना, ये हम सपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे साइडों पे ऐसे, और ये जो सा है ये ऊपर, ये वाला बांस हॉरिजॉन्टल आएगा और ये वाले जो दो बांस है ये वर्टिकल है। अच्छा, तो ये यहाँ पे करके आएगा, इसको हम रख लेंगे सेंटर पे। जी व्यूवर्स, तो ये जमीन पे रख के हमने अपना अड्डा तकरीबन तैयार कर लिया। इसके लिए थोड़ी फिजिक्स चाहिए होती है जो कि मेरी बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन फिर भी अंदाज़ा जो उनसे ना वो काम कर जाता है इसके अंदर। ये बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए हर तरह से। अब इसको तार के साथ हम ग्रिप कर लेंगे। इसी तरह अब हम ये दूसरी साइड पे तार लगा लेंगे, इसको नीचे से निकालेंगे और
अच्छा व्यूवर्स, ये हमने एक एक दफा तो कर लिया इसे, लेकिन ये एक दफा इनफ नहीं है। दो दो तीन तीन दफा आप इसे ग्रिप कर ले ताकि इसकी ग्रिप जो होती है ना वो मजबूत हो जाए। लेकिन मैंने ये अड्डा जोड़ भी लिया था तारों की मदद से, जैसे आपको बताया, और फिर इसको एक भाई की मदद से मैंने इसको यहाँ पे लगा भी दी थी। इसका सिंपल सा प्रोसेस है, ग्रिल के साथ दो बंदे लगा कर इसको और उसी तरह तारों के साथ कस दें। अगर आपके पास ग्रिल नहीं है, आप दीवार के साथ लगाना चाहते हैं, तो किल्लियाँ मिलती हैं लोहे की, वो भी आप उसके साथ ठोक सकते हैं इसको, और जैसे आपको मतलब कंफर्टेबल लगे आप उस तरह से इसको लगा सकते हैं। बहरहाल ये अड्डा लग जाएगा इस तरह, इसको थोड़ी सी कसाई इसकी रहेगी वो मैं कर लेता हूँ। व्यूअर्स, ये कबूतर ही आई हुई है किसी की छत के ऊपर, हम आए हैं शाम को, ये किसी की कबूतरी है, इसको देखते हैं। एलिना राम, चल हाथ में रहेगी और कबूतर निकल गया। व्यूअर्स, आह इसको थोड़ी सी कसाई इसकी रहेगी वो मैं कर लेता हूँ, और फिर इंशाल्लाह ताला बच्चे छोड़ते हैं और देखते हैं बच्चे इसके ऊपर बैठते हैं कि नहीं बैठते। जी, तो माशाल्लाह से जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये अड्डा जो सा ये इस वक्त बिल्कुल तैयार है, और अब ये है कि इधर पे बच्चे छोड़ता हूँ और इंशाल्लाह ताला देखते हैं कि वो बच्चे बैठते कि नहीं बैठते। जो बच्चे मैंने तैयार कर लिए हैं वो मैं छोड़ता हूँ और देखते हैं कि क्या मंज़र है। जी तो व्यूअर्स, कबूतर हमने छोड़ दिए हैं बच्चे, ये जैसा कि आप देख सकते हैं, एक तो वो सामने जाकर बैठा है उसके ऊपर फट्टी के ऊपर, ये फट्टी भी मैंने आपको बताया था कि कल लगाई है हमने इस और किस मकसद के लिए लगी। एक बच्चा आया है मगर ये ऊपर वाली छत पे बैठ, ये आया, चले देखते हैं क्या बनता है। बच्चे फिलहाल तो उड़ रहे हैं। ये आया एक व्यूवर्स, एक बच्चा, और ये बैठने लगा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ओहो ये इससे बैठा नहीं गया बेचारे से। ये देखिए, मैंने आपको बताया था ग्रिल पे बैठते हैं तो ये फिसल जाते हैं। बहरहाल एक बच्चा आगे बैठने लगा लेकिन उससे बैठा नहीं गया, फिसल गया वो, तो देखते हैं आगे क्या होता है। एक बच्चा कोशिश तो कर रहा है बैठने की, लेकिन आज पहले दिन है ना व्यूअर्स, जब आप भी ये लगाएंगे तो पहले दिन इसी तरह जो से कबूतर है ना आपके, वो डरेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ऑब्वियसली एक उनके लिए नई चीज़ है ये, और अभी उन्होंने इसका यूज़ टू होना है। तो ये जो कबूतर हैं ये तो ख़ास तौर पर ना बहुत कॉन्शियस होते हैं इन चीज़ों के बारे में, नए इन्वायरमेंट से नई चीज़ों से बड़ा ना घबराते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं एक दो दिन के लिए, फिर लेकिन ठीक भी हो जाते हैं। बहरहाल दो तीन बच्चे जो सब ने वो बैठ गए, एक आधा बच्चा जो सा वो काफ़ी बुलंदी पे भी चला गया, बंद हो गया वो, और एक बच्चा जो सा ना वो बैठने की कोशिश कर रहा, एक दो दिन लगेंगे इनको ये फिर, लेकिन इसके ऊपर बैठना शुरू कर देंगे। ये आया बच्चा फिर से, कोशिश कर रहा बैठने की, आया
बैठते ना डर जाता। ये अब चलता रहेगा इस तरह सिलसिला, और मैं इंशाल्लाह ताला आपको वक्तन फवक्तन अपडेट भी करता रहूँगा। मैंने बच्चे छोड़ने भी हैं, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या सीन हो रहा है, सब आपको बताता भी रहूँगा इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा, और हमेशा की तरह आप सपोर्ट और प्यार करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो ये देखिए, ये डायरेक्ट नीचे उतरा बच्चा ज़मीन पर। इंशाल्लाह ताला फिर एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।